Now we learn about how children develop their social and emotional skills during play. Being a social being, humans tend to interact with each other and with animals. Through play, children interact with each other and the rest of the world, where they start being part of the community.. वहाँ पे हम सए हैं उनके रिश्तेदार हैं नाना नानी दादा दादी और बहुत से मिलने वाले फिर वो जब स्कूल चला जाता है तो स्कूल में बहुत से उसकी हम उमर पियर्स हैं इस हैं और फिर वहाँ पे भी काफ़ी उसको इर्द गिर्द के लोग जो है वो मिलते हैं तो बच्चे उस खेल वहाँ आपने देखा कि घर में तो बच्चे खेल ही रहे होते हैं जब स्कूल में जाते हैं या रिसेस का टाइम है या आउटडोर एक्टिविटी का टाइम है तो बच्चे बड़े पुरजोश होते हैं वो इसलिए कि वो एक दूसरे से मिल खेलना चाहते हैं एज ए टीम तुम भागो मैं पकड़ूंगी या मैं भागती हूँ तुम पकड़ो अब वो बड़े जोश में होते हैं और वो खेल रहे होते हैं तो ये सारा एक सिलसिला ऐसा है कि जहाँ पे वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और सोशली उनका दायरा बढ़ता चला जाता है देखिए एक छोटा प्रेप का या नर्सरी का बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो अगले दिन आपको आके बताता है कि मैंने एक दोस्त या एक फ्रेंड बनाया है और अगले दिन वो आके कहता है और भी दो चार मेरे फ्रेंड्स हैं तो भाई वो क्या हो रहा है उसके सोशल स्किल्स में इजाफा हो रहा है वो दिन ब दिन नई चीज़ें सीख रहा है नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है और वो उनसे बात करता है वो उससे बात करते हैं और इस तरह से उनके जो अंदर की बातें हैं जो इंटरनल थाट्स हैं वो बाहर आती हैं और फिर एक सोशल सर्कल जो है वो पैदा हो जाता है यही सोशल सर्कल अगर बच्चों के शुरू में प्ले के दौरान खेल के दौरान मजबूत हो तो आइंदा आने वाले दिनों में मुख्त लोगों के बीच में जो तफरका है जो दूरी है खत्म करने में हम अपने बाल हज़रा की मदद कर सकते हैं फिर एन अर्ली लर्नर्स डेवलपमेंट कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई इंटरक्शन विद कंसिस्टेंट एंड लविंग गिवर्स एंड टीचर्स एज दे एंगेज विथ चिल्ड्रेन वाइल्ड प्लेइंग देखिए बच्चे जब भी खेल रहे अगर उनके इर्द गिर्द उनके पेरेंट्स की उनके साथ की या जो भी उनका केयर गिवर है वो मौजूद हो उसकी मौजूदगी हो तो वो एक उनकी एसोसिएशन उनसे बन जाती है उनके दिल में ख्याल होता है अगर मैं गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी या कोई मुझसे ज़बरदस्ती करेगा या ज्यादती करेगा तो मेरा केयरगिवर माँ या बाप या उस्ताद फ़ौर मेरी मदद को आएंगे और मैं महफूज हूँ मैं अकेला नहीं हूँ तो ये जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसको हम बोलते हैं किसी भी कम्यूनिटी या माशरे को बेहतर तौर पर नशोनमुमा देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है मेरा ग्रुप कौन सा है मेरी क्लास कौन सी है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ मेरे वालदेन कौन है मेरा ख़ानदान कौन है मेरा मुल्क कौन सा है मेरी उम्मत कौन सी है मैं किस तरह का कौन से मज़हब का इंसान हूँ यानी आपके अपने नस्ल से अपने सोशो बैकग्राउंड से आपके मिलने जुलने वाले लोगों से एक बिलोंगिंगनेस है यही बिलोंगिंग असल में एक मजमू तौर पर बड़ी कम्यूनिटी जो है उसको तश्कील देता है तो हमारे बच्चे अगर इब्तदाई तौर पर केयर गिवर्स के साथ मिल के एक कम्यूनिटी तश्कील देंगे जहाँ पर हर किसी का अपना रोल होगा अब ये रोल सिर्फ असटेंस का ही नहीं है बल्कि ये रोल इज़्ज़त और एहतराम का भी रोल है जो बाद में उनको मुआरे के मुख्तलफ लोगों तक मुंतकिल करने में मदद देता है हम ये देखते हैं कि देयर इन प्लेइंग दे अनलॉक अ सोशल एंड इमोशनल वर्ल्ड बच्चे को नहीं पता प्यार क्या है बच्चे को नहीं पता मदद क्या है बच्चे को नहीं पता कि जब कोई परेशान हो तो उसको कैसे हौसला दिया जाता है ये सब वो अपने केयर गिवर से अपने से सीखता है और फिर वो जज्बा जैसे हम कहें कि किसी बर्तन में अगर आप दूध डालेंगे तो दूध निकलेगा पानी डालेंगे तो पानी निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चे को प्यार मोहब्बत सपोर्ट ही दी जाए तो वो भी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत और सपोर्ट ही दूसरों को देगा लेकिन अगर कोई बच्चा इग्नोर्ड है उसकी कोई मदद कहीं नहीं की जाती डांटा डपका जाता है उसको परेशान किया जाता है जब उसको कोई चोट लगती है या तकलीफ पहुंचती है कोई उसके करीब नहीं होता तो कभी भी सेहतमंद जज्बे उसके अंदर आ, आ, आने वाली ज़िंदगी में पैदा नहीं हो सकते तो खेल के दौरान जो सबसे बड़ी बात है वो है आपकी एक सोशल बिलोंगिंगनेस कि हम जब खेल रहे हैं ये मेरी टीम है ये मेरा साथी है तो ये मेरे ही साथ मेरा ही साथ देगा ये मेरे ही साथ रहेगा इस बात का उसको जो हौसला होता है वो बड़ा अहम है चिल्ड्रन हु प्ले विद अदर पीपल इन एन एनवाइट दैट एम्पैथी विल डेवलप द कैरेक्टर ऑफ बी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखिए एम्पति का मतलब यह है कि आप महसूस करें कि दूसरा इस वक्त क्या महसूस कर रहा है ठीक है एम्पति सिम्पति से अलग लफ्ज है सिम्पति होता है किसी के साथ हमदर्दी करते हैं है। महज इसलिए कि अच्छा उसके अंदर कोई डेफिशेंसी है कोई कमी है लेकिन एम्पति का मतलब है कि उसकी जगह पर रह के उसी की तरह उसी के शूज़ में हम सीखें तो हम ये समझते हैं कि अगर बच्चा खेल रहा होगा तो वो दूसरे कैरेक्टर्स के इतना करीब हो सकता है कि वो फिर एम्पेथेटिक हो जाता है और वो समझता है कि दूसरे इस वक्त क्या सोच रहे हैं क्या वो अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं फर्ज करें मैंने किसी से टॉय ले लिया तो उसको कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि इसको भी दुख हुआ होगा जैसे कि जब मेरे से कोई टॉय लेता है तो मुझे भी दुख होता है इन एडिशन दे लर्न अदर ट्रेड सच एज डिसिप्लिन लव कंपैशन रीजनिंग पेन जॉय एडवेंचर एंड रेजिलियस देखिए ये सारी चीज़ें जब खेल होती है तो हो रहा होता है जब आप बच्चे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो वो ना सिर्फ थ्रिल में होते हैं फिजिकल बैलेंस उनका बन रहा है बल्कि वो खुश भी हो रहे हैं और उनके जज्बात जो है वो मुकम्मल तौर पर उस वक्त बड़े वो हाइप पे होते हैं और फिर ये उनके लिए एक बड़ा एडवेंचर है फिर वो जब एक दूसरे के साथ मदद करते हैं एक दूसरे की तो कंपैशन सीखते हैं हमदर्दी सीख रहे हैं फिर उनको पता है कि अच्छा गेम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जैसे बारी लेना है अच्छा अब हम खेल रहे थे छुपन छुपाई अब मेरी बारी है अब तुम्हारी बारी है तो एक ख़ास तरह का डिसिप्लिन जो है वो भी उनके अंदर पैदा हो जाता है फिर दे लर्न टू शेयर एंड कलेबोरेट फॉर सक्सेस तो छोटी छोटी टीम्स बनती हैं हम दोनों एक टीम में हैं तुम दोनों एक टीम में हो हम या मैं ढूंढूंगी और आ, और तुम सब छुपोगे तो इस तरह से वो एक डिमार्केशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से शिफ्ट होती है फिर बारी किस तरह से आती है कौन कितनी देर खेलेगा दूसरा कब बारी लेगा जैसे स्विंग्स पे झूलों पे अच्छा भाई पहले मैं आपको सात झूले झुलाऊंगा फिर आप मुझे साथ झुलाओगे तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करने में या उनको एक दूसरे को समझने में मदद देता है अपने ऊपर नज्मों जब्त बरकरार रखने में उनको मदद मिलती है और फर्ज करो वो खेलते खेलते गिर गए या उनको चोट लग गई तो वो कोई केयर गिवर कहता है कुछ नहीं हुआ उठो जल्दी उठो तुम बहादुर हो दोबारा से भागो तो यहाँ रिजिलियंस भी पैदा होती है यानी जब आपको कोई परेशानी या उदासी ऐसा मसला हो तो आप हिम्मत ना हारें बल्कि नए सिरे से उठ खड़े हों नए अजम के साथ ये रेजिलियस भी खेल ही का दिया है